असलम डर किड्स हैव अस डे एक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश में आज हम कर रहे हैं पेज नंबर सिक्सटी सिक्स ठीक है यहाँ पे हम काम आज करेंगे रिटर्न वर्क है यहाँ पे जी हमारा है यूनिट नंबर थर्टीन लेसन नंबर टू वर्ड्स हैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स राइट किए हैं हम उनको मैच करेंगे ड्रा अ लाइन टू मैच द पिक्चर टू द करेक्ट वर्ड ठीक है यहाँ पे नंबर वन पे लिखा हुआ है पीयर्स क्या राइट किया हुआ है पीयर्स नंबर टू पे है ऑरेंज जूस ऑरेंज जूस नंबर थ्री पे है केक्स केक्स नंबर फ़ोर पे है आइसक्रीम्स, आइसक्रीम्स। नंबर फाइव पे है राइस राइस नंबर सिक्स पे है बनानास, नंबर सेवन पे है एग्स नंबर एट पे है टी नंबर नाइन पे है मिल्क नंबर टेन पे है कोला यानी कि कोक जिसको बोलते हैं तो हम पियर्स को पियर्स से मैच करेंगे और इन जूस को हम ग्लास में ये देखें जूस ऐसे मैच करेंगे केक्स को हम केक्स के साथ मैच करेंगे आइसक्रीम कौन है इसको आइसक्रीम कौन के साथ मैच करेंगे राइस को हम ये देखिए प्लेट में राइस हैं इसके साथ मैच करेंगे नंबर सिक्स पे बनाना इसको बनाना से मैच कर देंगे सेवन पे एग्स है इसको एग्स से मैच कर देंगे नंबर एट पे है टी इसको हम टी से मैच कर देंगे नाइन पे मिल्क है इसको ग्लास में मिल्क से मैच कर देंगे और नंबर टेन पे इसको कोला से मैच कर देंगे नंबर बी पे है से विच पिक्चर इज़ फूड एंड विच पिक्चर इज़ अ ड्रिंक यहाँ पे फूड और ड्रिंक राइट right किया हुआ है तो हमने बताना है फ़ूड वाली इनमें से चीज़ें कौन कौन सी हैं नंबर वन पे हमने लिख दिया राइस जो हम खाते हैं हमने जो चीज़ें खाते हैं उनको अलग साइड पे लिख लेना जो चीज़ें हम ड्रिंक करते हैं यानी कि पीते हैं जूस मिल्क हो गया टी हो गया कोला इसको एक साइड पर लिख लेंगे ठीक है यहाँ पर पीयर्स लिखा हुआ है इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एग्स आइसक्रीम्स केक एंड राइस ठीक है और जहाँ पर ड्रिंक वाली साइड है वहाँ पर ऑरेंज जूस ऑलरेडी लिखा हुआ है इसके साथ हम लिखेंगे टी मिल्क एंड कोला आप ये काम कंप्लीट करेंगे और उस पर डेढ़ लगा के इसकी पिकअप जी सूट पे सेंड करेंगे ला हाफिज़